बताइए, आपके पास सत्ता है, आप सत्ता में रह करके आपको आपको रोका दिया, रुका गया है, क्यों भाई ऐसा क्यों? हम कहते हैं ना कि अनिल राजभर मंत्री हैं भाजपा में, क्या राजभर का कभी नाम लिए हैं? नहीं लिए हैं। नहीं, स्वर्गदेव राजभर जी का जयंती अभी मना था, वो गाजीपुर में आए थे। अच्छा। वहाँ मौजूद थे, तो बहुत लोग थे। भाजपा के जरिए राजभर जाति को कुछ उत्थान किया उन्होंने, कुछ दिया? ओम प्रकाश दिया। तो यह जाति का उत्थान कौन किया है? तो ओम प्रकाश ने किया ना कि अनिल किए? अनिल तो अपना पेट पाल रहे हैं भाई, अपने परिवार का। भाजपा में जैसे सभी राजभर एक जगह हो जाते तो सरकार क्या अमेरिका हिल जाएगा? अमेरिका तब का। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय जनपद गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत है और ये गांव के जो है सभी लोग, बुजुर्ग लोग हैं, ये छाव में बैठे हैं और बड़ा चर्चा का विषय है कि राजनीति का सफर में और ये सियासी एक ऐसा दौरा चल गया है कि हर तरह जो है राजनीति की ही बातें चल रही है। कोई गठबंधन की बात कर रहा है तो कोई अपने पार्टी को जो है मजबूती के स्तंभ को लेकर बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल हम इस गांव में कुछ जनता की राय चाहेंगे कि क्या ये जनता के बीच में बातें चल रही है, क्या चर्चाएं हो रही है। आज मनिहारी अंतर्गत इस गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इसका नाम क्या है? विश्वनाथ। बीजेपी के साथ पहले जो है बड़ी बगावतें चल रही थी, वहीं जो है देखा गया कि बीजेपी पार्टी को जो है टारगेट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जो है ये पार्टी जो है राजभर या पिछड़े लोगों को जो है भला नहीं चाहती है, उसी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर गठबंधन कर लिए। हो सकता है कि ओम प्रकाश का जो और विचार रखे हैं वो भाजपा सुन ले, समझ ले। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ भाजपा जरूर सुनेगी, इसलिए ओम प्रकाश का जाना ठीक है। भाजपा के साथ एक बार और मिले थे, लेकिन मिलने के बाद भाजपा के साथ मिलने से उन्हें जो है मंत्री पद मिला था। हाँ। लेकिन फिर अचानक इस्तीफा दे दिए। हाँ, मांग पूरी ना होने से फिर उसमें से निकल गए। ओम प्रकाश का मांग था, मंत्री बने थे ठीक, अच्छा सात बने जाने मिले मंत्री पद थे, पर मांग नहीं होने से पूरे लोग निकल गए। यानी कि वो मांग जब नहीं पूरा हुआ तो निकल गए, उसके बाद जो सपा से जुड़ गए। सपा में शायद आप लोग का ये सोच है कि उसमें भी ये मांगे पूरी ना होने से। हाँ, यहाँ तक ओम प्रकाश बोले थे अखिलेश को कि घर में रह करके नेतागिरी नहीं चलेगी। तो हम लोग सुने हैं कि वो बोले कि ओम प्रकाश को कि अरे रास्ता खुला है, निकल जाओ उसमें से। निकल गए उसमें से, छोड़ दी पार्टी को। लेकिन इस समय फिर से सुर्खियों में आए हैं कि अब बीजेपी के साथ जुड़ने। हाँ। का मतलब कि क्या इस समय जो है उनकी जो मांगे थी पहले जो अधूरी हो गई। हाँ। वो पूरी हो सकती है? हो सकती है, भाजपा संभावना, भाजपा हो सकता है ऐसा कि मांगे कुछ पूरा करेगी। अच्छा, क्योंकि भाजपा को भी एहसास हो गया है कि ओम प्रकाश का इधर बोलबाला है, अतः ओम प्रकाश का जरूर कुछ न कुछ सुनवाई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओपी राजभर का जो है ठिकाना अब जो है सपा से हट गया। हाँ। वहाँ है नहीं। हाँ। तो इसलिए बीजेपी के साथ फिर आ रहा है कि बीजेपी के साथ जो है जुड़ेंगे तो एक जो है उन्हें जो है मंत्री पद मिल पाएगा, एक जो है लालच से वो आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। नहीं, लालच की बात नहीं है, मांग मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर लालच को ठुकरा देंगे। हाँ, क्योंकि ठुकरा दिए हैं पहले के, इसलिए फिर ठुकरा सकते हैं। आप लोग पूरा ये उम्मीद रखते हैं कि ओपी राजभर जो है पिछड़े जात के लोगों की भलाई के लिए जो है? हाँ, वो तय किए हैं। हाँ जरूर, ये ओम प्रकाश ऐसे नेता हैं हम लोग के कि देखिए 2002 से वो खड़े हुए हैं हमारी जाति का। हमको तो खुशी ये हो रहा है भैया ना कि राजभर जाति का उत्थान उन्होंने किया कि हम लोग किसी अपने इंडिया में किसी प्रांत में जाएंगे अगर वहाँ के सर लोग पूछेंगे कि कौन बिरादर हो, राजभर, समझ जाएगा कि हाँ राजभर है। नहीं तो हम 63-64 में मध्य प्रदेश थे, हमारे भाई साथ में काम करते थे, बोलते थे कि तुम कौन बिरादर हो, तो हम बोला कि भाई राजभर कौन जात होती है, तो हम बोला ग्वाल जानते हैं? हाँ ग्वाल, उन्हीं के कटघरी में हम लोग हैं, यानी इतना पोल पानी रखना पड़ता था। आज वो बात नहीं है, किसके जरिए? ओम प्रकाश के जरिए। लेकिन और भी नेता हैं जो ये राजभर को जोड़कर चलते हैं। हाँ। कई पार्टियां भी हैं। हाँ। जैसे अभी जो है सुभाषपा के साथ एक और पार्टी है। हाँ, जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी है। अरे उनका पेट भर गया इनके मिनके में रहने से ना, हर तरह का बनाव कर लिए, अब निकल करके सोच रहे कि अब राजा खुद राजा बन जाएंगे। महेंद्र, इसमें इस ओम प्रकाश में रह करके अपना पेट भर करके संपूर्ण हो गए हैं, अब इसमें से निकल के सोचते हैं कि अब और संपूर्ण हो गए। हाँ हाँ, समाज का भला कौन करे। तो ये जो भी अब पार्टी से अब तो गठबंधन हो गया, चुनाव आ रहा है, अब चुनाव में कितना जो है जोर से अब एक साथ जो है बीजेपी का जो है साथ सब लोग देंगे? हाँ, देंगे, जरूर देंगे, जहाँ रहेंगे जरूर देंगे। यानी कि ओपी राजभर को देकर आप लोग? हाँ, देंगे। हाँ, बिल्कुल।
अच्छा आप बता रहे हैं कि महेंद्र राजभर जो है अभी उनके साथ नेता भी कोई यहाँ आए थे? आए थे। कौन आए थे? नाम तो नहीं पता, लेकिन राम समय राजभर। अच्छा जी, क्या बात हुई, आए तो क्या कुछ बात? मौके पर मैं था नहीं, लेकिन आने के बाद पता चला कि कुछ भाई, देखिए चाहे जो जिस पार्टी से हों, जो भी व्यक्ति जिस पार्टी से हों, अपनी पार्टी का कपड़ा बंद करेंगे ही, आदि अदरवाइज उसके पास में विपरीत हो उस पार्टी का, उसे काट छाट करेगा ही। लेकिन वो भी तो राजभर परिवारों के साथ जो है न्याय की बात समझ रहे हैं आपकी। देखिए हमें राजभर परिवार से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि कौन राजभर हमारे लिए खड़ा है, कौन राजभर हमारे दिनचर्या के बारे में, हमारे हित के बारे में सोच रहा है, हमें उससे मतलब है। वैसे तो राजभर बहुत नेता है, राजभर नेता कौन नहीं है, लेकिन नेता वो है जो खुद के स्वयं का पेट भरते हैं। अनिल राजभर भी है बीजेपी के साथ, वो भी एक दिग्गज नेता है। सुनिए, यदि सोचते हैं राजभर के बारे में, इसके पहले होमगार्ड मंत्री थे, तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं और जहाँ तक आवाज़ जाएगी उनसे पूछना चाहते हैं, तो क्या हमारी जो राजभर बिरादरी है, क्या ये होमगार्ड के लेवल तक भी नहीं पड़े थे क्या, कि होमगार्ड का कहीं कहीं लोगों को नहीं दे पाए, वैकेंसी नहीं करा पाए? आप जिस पद पे हो उस पद का कम से कम लोगों के प्रति हित करिए, भला कीजिए ना अपने समाज का। यानी कि अब तक कई भी नहीं किए? हमारे जन्म नहीं किए हैं बहुत लोग, चूँकि जो मैं देखा नहीं, लेकिन जो अनिल राजभर के पास गए थे होमगार्ड के भर्ती के लिए, बोले कि नहीं ऐसा ये सब इस समय स्थगित किया गया है, बंद किया गया है। बताइए आपके पास सत्ता है, आप सत्ता में रह करके आपको रोका गया है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम कहते हैं ना कि अनिल राजभर मंत्री हैं भाजपा में, क्या राजभर का कभी नाम लिए हैं? नहीं लिए। नहीं, भाजपा के जरिए राजभर जाति को कुछ उत्थान किया उन्होंने, कुछ दिया? ओम प्रकाश दिए, बिल्कुल ओम प्रकाश दिए। अच्छा, क्या ओम प्रकाश राजभर के द्वारा मिला है, थोड़ा सा बता दें। सबसे प्रथम तो मिला है जातिता की उत्थान हुई, हम लोग राजभर जाति हुए। अच्छा। नहीं तो कहने में लज्जा लगती थी, राम लिखा जाता था, भर कहते थे, उन्होंने पूरे इंडिया में राजभर से प्रचलित किया, तभी कम है। यानी कि भर से राजभर जो है अब हर जगह जो है चर्चा का विषय हो गया है, यह सबसे बड़ी बात है। और इस बात से ये लोग सभी जो है समर्थन दे रहे हैं कि कम से कम ओम प्रकाश राजभर के जो है ये सियासी गलियारों में ऐसे आवाज जो है गुजा कि सब भरों को जो है राजभर के नाम से और राजभर जी के नाम से पुकारने का। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, इसी बात से आप लोग, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि राजभर जाति का उत्थान किया, हम राजभर जाति एक पूरे इंडिया में राजभर जाती हुई, नहीं तो सपना था, सपना। अनिल राजभर अभी कई बार कहे हैं कि ओपी राजभर जो है राजभर बिरादरी को 50 साल पीछे जो है ढकेल दिया। हाँ, हाँ, ये हमेशा जो है मंचों के साथ कहते हैं। सर कहाँ कराए अनिल राजभर? कहाँ? वो तो भाई देखिए बता देना, अनिल राजभर स्वयं बता दें कि मैं उत्थान कराया हूँ राजभर बिरादरी का, कहीं कराए हुए हैं? वो कहे नहीं बोलते हैं कि जाति का उत्थान मैंने किया, अनिल बोलते हैं कि जाति का उत्थान मैंने किया, क्यों नहीं बोलते हैं? पूरे इंडिया में जाति का उत्थान कौन किया है? तो ओम प्रकाश ने किया ना कि अनिल किए? अनिल तो अपना पेट पाल रहे हैं भाई, अपने परिवार का, भाजपा में सर्विस कर रहे हैं, तो मंत्री पद से हम तो ये कहेंगे। अच्छा, तब का। लेकिन जो ये राजभर का जो है जो नाम प्रचलित है, जो इस नाम को जो है आगे और स्तंभों तक जो है स्थापित करने में सहयोग कर रहा है, उसको जो है वो बताते हैं कि जो है पीछे राजभर हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो ये सब अफवाह है। अफवाह है? हाँ बिल्कुल अफवाह है, ताकि हम लोग उनकी बातों को सुन करके हट जाएं। लेकिन एक और बात है, एक और ये बात कहे थे और कहते भी हैं हमेशा मंचों के सामने, जो गाजीपुर में भी आए थे तो ये बात बोले थे कि ओपी राजभर जो है जो महाराज योगी जी हैं उनके जो है दरवाजे पे जो है उनके जो है दरवाजे पे हमेशा जो है धरना दे रहे हैं और उनका जो है कहीं रास्ता नहीं है, जो है ये कहीं रास्ता है कि उनके जो है चरणों के सामने जो है समर्पित करना चाहते हैं कि एक महाराज जी हमें जो है अपने जो है पार्टी में शामिल कर लीजिए। अच्छा चलिए, अगर शरण में होकर के ही अगर हमारी जाति का उत्थान हो, हमारी जाति का खाना पीना मिले, तो क्या हर्जा है? लेकिन ये बात अनिल राजभर को क्यों नहीं समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगा, वो अपना परिवार के लिए काफी रख लिए हैं भाजपा से। अगर ये बातें जो है जैसे राजभर के परिवार से वो भी आते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं, अगर दोनों जो है लोग अगर एक साथ मिलकर और राजभर के साथ अगर लग जाए, तो राजभर कितना मजबूती से आगे? अरे भाई, तब तो क्या होता, जैसे सभी राजभर एक जगह हो जाते तो सरकार क्या अमेरिका हिल जाएगा? अमेरिका हिल तब का। लेकिन ऐसा समीकरण कोई बनाने के लिए जो है सोच विचार नहीं करते? नहीं बनाएंगे, जाति का विस्फोट हमेशा करेंगे भाई, बंधु का विस्फोट हमेशा करेंगे। अरे सोचिए, ये महेंद्र राजभर मौके है ना, मजबूत हो गए, मोटा गई, अलग हो गए, इसका अर्थ सीधा बात मैं यही जानता हूँ, मन मोटा गई, हर तरह से संपन्न हो गए। नहीं तो हम सुनते हैं कि पहले कुछ नहीं था उनका,
जब इसमें हैं रहे तो बहुत कुछ हुआ, अब अलग हो गए। पहले भैंस चराते थे लोग, अरे भाई हो गया मोटे में उसमें। ये जखनिया जो है विधानसभा से ये देखने को मिला है कि एक हाल ही में जो है ये भी खबर आई थी कि इसी जखनिया विधानसभा से जो है कई बार जो है निर्माण में देखा गया कि सड़कों में जो है घोटाला सामने नजर आ रहा था। तो इससे जो है आप लोग को विकास की अगर नज़र से देखा जाए तो क्षेत्रों में विकास की जो है पहल कैसी दिख रही है? विकास के लिए तो फिलहाल में इस समय जो हमारे जखनिया विधानसभा के विधायक जी हैं फिलहाल में हमारी यहाँ तो काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि माननीय विधायक जी जहाँ जहाँ प्रस्ताव दिए थे सड़क का, वो लगभग 25-30 सड़कें बन चुकी हैं और अभी जो टेंडर लग चुका है वो भी 5 साल में बन जाएंगी। विकास तो हो रहा है, पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा विकास हुआ है और खड़ंजा भी जितने कार्यकर्ता हैं सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रस्ताव जो दिया जाता है तो प्रस्ताव भी पास होता है और खड़ंजा भी लगवाते हैं सभी कार्यकर्ता लोग अपने अपने क्षेत्र में। हम भी लगवाए हैं अपने अपने गाँव में, हाँ लगवाए हैं। तो विकास तो कहीं पहले की अपेक्षा अब इस समय विकास ज़्यादा हो रहा है। चलिए दादाजी ये बताइए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप लोग को बहुत अनुभव भी है और अब से जो है राजनीतिक में बहुत नेता आए बहुत नेता गए और वर्तमान में सब लोग चला भी रहे हैं अपने पार्टी के दम पे, तो क्या लग रहा है कि अब के जो है पार्टी में कौन से नेता सबसे बढ़िया है? ये भैया हम लोग के पार्टी में भारतीय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो सूझबूझ के नेता हैं। सूझबूझ के कहाँ किसको हमको जाना है किसको हमको पटकना है उनका सूझबूझ बहुत तगड़ा है। अच्छा, इसीलिए भाजपा विवश हो करके भाजपा का भी उसमें मजबूरी है इसमें कि इनको अगर 14-15-16-17 जिला में जैसे पटकनी खा गए हैं ना, तो इसलिए भाजपा को मजबूरी है कि इनको नहीं लेने बिना काम नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए भाजपा में दोनों आदमी का तालमेल रहेगा, जब दोनों आदमी का थपोड़ी बजेगा तभी बजेगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि भाजपा में इनका बहुत जरूरी है, लेकिन अभी कई बार जो है इनको जो है इस पार्टी से उस पार्टी में आने जाने के बाद जो है पलटू राम के नाम से भी कहा गया। हाँ। तो कैसा लगता है जैसे आप लोग ये बातें सुनते अच्छा, हैं सुनिए। अच्छा सुनिए, भाजपा से पहले शुरू हुआ तो भाजपा में गए तो भाजपा का सीट बढ़ गया, तो 5-4 सीट हम लोग को मिला। फिर इसके बाद उनका मांग नहीं पूरा हुआ तो उसमें से निकल गए, तो जब निकल जाने से सपा में गए, तो सपा में गए तो सपा में मिल करके उनका 80 सीट सपा को बढ़ाए, 25 पहले था सपा का, इनके जाने से 125 हुआ तो 80 सीट इनके जाने से बढ़ा। अब फिर जब वही सपा में ये जब बोले आजमगढ़ वाली चुनाव हो रहा था उसमें बोले कि नहीं एसी में सो करके चुनाव नहीं लड़ पाओगे एसी से बाहर आओ, उनको बुरा लगा, कह रहे हमको तो ऐसे बोल रहे हैं। अब बोल भी दिए कि हमको राजभर का बात नहीं मानना है नहीं सुनना है, तो सोच यानी कि इसी बात से जो ये सही बात थी वही बात अखिलेश यादव को बुरा लग गया। हाँ, निकल गए तो उसमें से लो भाई तब हम नहीं रहेंगे, लेकिन यही निकलने का जो है जो जरिया था इसी पे सभी लोग टीका टिप्पणी करके पलटू राम भी कहने लगे। टिप्पणी तो करेंगे ही लोग, बोलेंगे भाई देखिए खास हम दो भाई हैं, इन दो भाई में नहीं पट रहा है तो जात और जाति ज्यादा लोग हैं तो अमुक तमुक तो बोलबे करेंगे। अरे भाई ये तो राजनीतिक में चलता है, मायावती कहीं सपा कहीं भाजपा ये सब तो अपने में मिल करके चुनाव लड़े हैं ना, तो उसमें गए भाई। तो राजनीतिक में तो वो प्रकाश बोलते हैं, वो तो प्रकाश बोले हैं कि राजनीतिक में ना कोई दुश्मन है और ना कोई मित्र है, जो राजनीतिक में सब होता है। यानी कि जनता की भला के लिए जिस पार्टी से अगर अच्छा लगे कि जनता का उत्थान हो सके उस पार्टी से जुड़ना चाहिए, उसी में जुड़े, यही एक मतलब है, उन्हीं के साथ हम लोग भी। अच्छा, उन्हीं के साथ, इसलिए कि हम लोग को विश्वास है कि हमारे मुखिया जहाँ भी जाएंगे अपना सूझबूझ करके ही जाएंगे, अपना कदम रखेंगे, इसलिए हमें उन लोगों पर पूर्ण विश्वास है। यानी कि राजभर बिरादरी पिछड़े वर्ग के लोगों को यह एक उम्मीद है कि जो सुभाषपा मुखिया जिस पार्टी से अगर गठबंधन करते हैं जिस पार्टी में अगर जाते हैं तो उनकी सूझबूझ जो
जो है कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों की जो है उनके हित के लिए है, और ये लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारी भलाई के लिए जो है वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जो है गठबंधन कर रहे हैं, और इसलिए जो है ये लोग जो है वो जिस पार्टी में जाएंगे तो ये लोग जो है उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। जी हाँ बिल्कुल, तो अभी जो है आप लोग को अगर कोई जो है ये बात कहता है कि कोरोना काल में जो है बीजेपी सरकार में बहुत रातरा मच गया था, लेकिन वो बातें सभी लोग भूल कर फिर बीजेपी के समर्थन में सब लोग आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए सरकार किसी की भी हो, यदि कोरोना काल में बीजेपी सरकार थी, देखिए सरकार से मतलब नहीं है, क्या बीजेपी सरकार कोरोना लाई थी? बीजेपी सरकार कोरोना लाई थी नहीं, एक समस्या होती है, समस्या किसी भी सरकार में आ सकती है, तो इसका बीजेपी सरकार दोषी है नहीं, एक ही सोच बीजेपी सरकार में होगा तो बीजेपी सरकार दोषी है नहीं, ये तो नहीं हो सकता है हमारे समझ से। कुछ लोग मानते हैं और देखने को भी मिला है कि युवाओं के रोजगार में भी ये सरकारें जो है कारगर साबित नहीं हुई है, और बड़े जो है नाराज युवाओं के जो है नौजवान पीड़ित है, ये बात है क्यों? कोरोना में भर्ती होना भर्तियाँ बंद हो गई थी, उम्र बढ़ गई, कितने लोग नाजाज चले हो गए, तो बात तो है ही, लेकिन भाई सरकार है क्या करेगा हम लोग बोल करके। लेकिन इस बात को संशोधन जरूर करना है कि इस तरह से जो एक समस्या खड़ी है इसका जो निवारण होना चाहिए। सरकार को तो सोचना चाहिए था कि जब हम कोरोना में भर्ती नहीं किए हैं दो बरस बढ़ा दें और उम्र, ताकि कहीं जो जो जैसा जो लोग हैं वहाँ पर अपना लोग सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसी सरकार नहीं किया। साथियों आपने देखा कि ये जखनिया विधानसभा अंतर्गत जो है ये जनता की जो राय है और ये चुनावी जो है सियासत को लेकर सबका जो है एक विचार यह है कि गठबंधन जिससे भी अगर सुभाषपा मुखिया करते हैं तो उनके साथ जो है उनके समर्थन में हम लोग साथ देंगे, और इन लोगों का यही मानना है कि उनकी सूझबूझ जो है ये एक मायने रखती है कि पिछड़े जात के लोगों के लिए जो है वो भला चाहते हैं, इसलिए उनके जो है साथ हम लोग देंगे। तो ये बातें रही बीजेपी से वो गठबंधन किए तो कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि प्रकाश इसमें जब रहेंगे तो फिर उनका सहयोग देना ही जरूरी है। चलिए साथियों इतना जो है जानकारी हुआ जखनिया विधानसभा से, ये लाइव तस्वीरें आपको भी न्यूज इंडिया पे मैंने लगातार जो है कवरेज किया, आज इस जनता के जो है राय को जो है आपके बीच में एक जो है हमने अवगत कराया। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।